सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रोफेसर अयूब खान ने बुधवार को विभिन्न क्षेत्र में जनसंपर्क कर मत एवं समर्थन मांगा। इस दौरान कांग्रेसी नेता अनिल टाटिया, पूर्व पार्षद योगेश गहलोत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रोफेसर खान ने कहा कि इस बार चुनाव में कांग्रेस के पक्ष का माहौल है, जनता स्वयं कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है और वो जोश नजर भी आ रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस बार सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से नए चेहरे जेएनवीयू में शिक्षक प्रोफेसर अयूब खान को प्रत्याशी बनाया है। किसान को वोट दो, वोट दो, हाथ के निशान को वोट दो, वोट दो, हाथ के निशान को वोट दो, वोट दो। सूरसागर ही नहीं, पूरे राजस्थान में माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है और लोगों में इतना उत्साह है कि लोग दौड़ दौड़ के जो है आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार जो है केवल और केवल कांग्रेस को जो है हम वोट देंगे और कांग्रेस को जो है भारी बहुमत से जो है हम जिताएंगे। जिस तरह से हम वार्ड वार्ड डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों में एक जिज्ञासा है कब 7 तारीख आए और कांग्रेस के निशान पे हम बटन लगाए। हमारे यहाँ पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब आए हैं तो लोगों के अंदर जो पढ़ी लिखी कौम है वो खुद भी यही चाहते हैं कि आज किसी भी सूरत के अंदर पढ़ा लिखा अगर हमारा MLA बनता है तो विधानसभा में हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठा सकता है। तो उसको देखते हुए आज पूरे माहौल कांग्रेस में हो रखा है। लोगों का जो इस प्रचार में जो रुझान देखने को मिल रहा है वो आप खुद भी देख रहे हैं कि भली भांति लोग जो है पूरा एक व्यक्ति नहीं, एक घंटी बजाते तो पूरा परिवार बाहर आता है और हमारी बात सुनता है और सुनने के बाद में ये आश्वस्त करता है कि नहीं, इस बार जो है जो हम जो है वो जरूर कांग्रेस को वोट देंगे। अभी जैसे अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये इनके बाहर की रोड की स्थिति बता रहे हैं, 4 साल हो गए इनके यहाँ पे किसी ने आके पूछा देखा नहीं, तो उस व्यवस्था से त्रस्त है और चाहते हैं लोग के कोई पढ़ा लिखा आदमी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे और उसके लिए वो परफेक्ट प्रोफेसर अयूब साहब को अपना परफेक्ट उम्मीदवार चुनते हैं और आशा इतनी पूर्ण विश्वास है कि भारी मतों से विजय होंगे। महिला ये चाहती है कि कांग्रेस की सरकार आए क्योंकि बीजेपी की सरकार में हमें बहुत दुख झेलने पड़े क्योंकि उन्होंने झूठे वादे किए। आज चाहे एक आम आदमी महिला की जरूरत है गैस सिलेंडर कितना 1000 रुपए कर दिया, हर क्षेत्र से वो दुखी है, चाहे लाइटों का कार्य हो, चाहे सड़कों का कार्य हो, चाहे सिविल लाइन का कार्य हो, सब चीजों से दुखी है। उन्होंने कहा हमारे 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। 5 साल से जनता इतना दुखी है कि जो झूठे जुमलों के फेवर में आके जो जनता ने वोट दिए थे, विकास के नाम पर वोट दिए थे, तो आप देख ही रहे हैं जनता किस तरह से त्रस्त है, एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। तो सभी जनता चाहती है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बने और विकास हो और सूरसागर से हम सभी 36 ही कौम है वो तन मन धन से अयूब साहब को, प्रोफेसर अयूब साहब को जिताने के लिए तत्पर है, पूरी जनता इनके साथ है।